सीरियल रब से है दुआ में आया बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड़, जहां मन्नत को मिली दुआ और नानी अम्मी से ताना। गुस्से में नजर आई मन्नत। जी हां, सीरियल रब से है दुआ के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे दुआ और नानी अम्मी दोनों दरगाह के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहां मन्नत आती है, जिसके चेहरे पर कालिख लगी होती है और वो गुस्से में नजर आती है। वहीं मन्नत की ये हालत देखकर नानी अम्मी और दुआ उससे पूछते हैं, तेरा चेहरा काला क्यों है और फिर क्या हुआ, आप खुद ही देख लीजिए। मुंह काला कहां से करके आ गया? देख मन्नत, जो तेरी सूरत बिगड़ी है, वेल। यहाँ मन्नत की बात सुनकर दुआ और नानी अम्मी दोनों उसे ताना मारते हैं, ये कहते हुए कि तेरी ये बिगड़ी हुई सूरत खुदा का इशारा है, अभी भी सुधर जा, नहीं तो बहुत पछताएगी। वहीं दुआ भी मन्नत को सुनाती है, करतूते अगर ऐसी ही रही ना, तो बाहर लोग लाइन में खड़े होकर तेरा मुंह काला करेंगे, समझी? दिल मेरा हो तो इंसान छुपते छुपाते जिंदगी जी ही लेता है, मगर अगर ये मैल चेहरे पर उतर आए ना, तो जीना दुश्वार है। फिर नानी अम्मी और दुआ दोनों मन्नत को ताना मारकर वहां से चले जाते हैं। एक बात है दुआ, मुझे लगता है कि मन्नत की हार शुरू हो चुकी। इसी खुशी में मैं जाकर दरगाह पर चादर चढ़ा देती और शुक्राने की नमाज भी अदा करती। चल सुधर जा। इसके बाद कहानी में आता है ट्विस्ट, जब मन्नत गुस्से में अपना आपा खो देती है और सोफे पर लात मारती है, लेकिन उल्टा उसी को चोट आ जाती है। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे क्या नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।